दोस्तों, जैसे जैसे हम अपनी कार को ड्राइव करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी कार का जो क्लच पैडल है वो लूज होता जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो पैडल में फ्री प्ले होती है वो बढ़ जाती है। और इस बारे में दोस्तों मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि क्लच पैडल में फ्री प्ले होना क्यों ज़रूरी है, अगर फ्री प्ले ज़्यादा होगी तो क्या नुकसान है, कम होगी तो क्या नुकसान है। तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे दोस्तों कि जो पैडल है इसमें फ्री प्ले कंपनी कितना रिकमेंड करती है। हालाँकि हम अंदाजे से भी जो है फ्री प्ले को एडजस्ट कर सकते हैं। और ये जो वीडियो होने वाला है दोस्तों ऑल्टो K10 और ऑल्टो 800 की फ्री प्ले के बारे में होने वाला है। तो फ्री प्ले के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूं, आप वो वीडियो देखिए। फिर भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। देखिए दोस्तों, जब हम पैडल को इस तरह से दबा रहे हैं तो ये हमारे पैडल की फ्री प्ले है, ठीक है, क्लच पैडल की। और ये जो दूरी आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी होनी चाहिए, ऑफिशियली कंपनी कितना बोलती है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ में दोस्तों मैं ये भी बताऊंगा कि यहाँ से लेकर जो फ्लोर होता है या मैट होती है इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए। तो पैडल को तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, साथ में फ्री प्ले को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है कि पैडल को आपको किस तरह से एडजस्ट करना है। फिर भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। आप यहाँ पर एक बुल्ट देख रहे होंगे, देखिए, तो इसके द्वारा जो है पैडल की हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हैं। और इसका भी लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूं, आप देख सकते हैं कि जो है किस तरह से इसको एडजस्ट करना है। तो चलिए दोस्तों, ऑफिशियली जो कंपनी बोलती है ऑल्टो 800 ऑल्टो K10 में जो फ्री प्ले है वो कितनी होनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, चाहे ऑल्टो 800 कार हो या ऑल्टो K10 कार हो, दोनों में ही जो फ्री प्ले होनी चाहिए क्लच पैडल में वो होनी चाहिए 10 टू 15 mm मिनिमम फ्री प्ले होना ज़रूरी है। अगर इंचेस की बात करें तो 0.4 टू 0.6 इंच में आपको इसमें फ्री प्ले रखनी है, ठीक है। तो दोनों ही जो गाड़ियाँ हैं जिनमें केवल क्लच सिस्टम दिया गया, हाइड्रोलिक क्लच सिस्टम इस गाड़ी में नहीं है, तो इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। जिन गाड़ियों में केवल क्लच सिस्टम दिया गया है उनकी बात कर रहे हैं, स्पेशली ऑल्टो K10 या ऑल्टो 800 की बात कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो पैडल की दूरी है फ्लोर से वो कितनी आपको रखनी है। ये वाली दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फ्लोर की दूरी है पैडल से वो कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर कंपनी ने थोड़ा सा अलग अलग जो है रिकमेंड किया है। जैसे कि ऑल्टो 800 की अगर बात करें तो इसमें आपको रखनी है 72 mm, जो ये जो दूरी होगी वो 72 mm यानी 2.8 इंच होगी। और ऑल्टो K10 की अगर बात करें तो 79 mm दूरी होगी, यानी 3.1 इंच की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, पैडल से लेकर फ्लोर तक की होना ज़रूरी होती है, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा कि फ्री प्ले जो है वो दोनों ही गाड़ी की सेम है, करीब 0.4 टू 0.6 इंच 10 टू 15 mm आपको रखना ज़रूरी है, ठीक है। अगर फ्री प्ले दोस्तों नहीं होगी तो आपकी क्लच बहुत जल्दी घिस जाएगी और क्लच की लाइफ बहुत ही कम हो जाएगी। तो फ्री प्ले का जो काम होता है, डिटेल वीडियो मैंने जो बनाया वो देखिए। और अगर फ्री प्ले ज़्यादा कर दी जाए तो क्या होगा दोस्तों, जो हमारे गाड़ी के गियर हैं वो थोड़े से टाइट लगते हैं, ठीक है। तो फ्री प्ले को आपको एडजस्ट कराना ज़रूरी है। हालांकि जब भी आप सर्विस सेंटर पर जाते हैं तो वो ऑलरेडी एडजस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो नहीं करते तो आप एक बार उसको ज़रूर बोल के एडजस्ट कराइएगा। क्योंकि जैसे जैसे हमारी कार चलती है दोस्तों, जो क्लच होती है वो घिसने लग जाती है, और घिसने के साथ साथ जो पैडल की फ्री प्ले होती है वो भी बढ़ जाती है, जिससे गियर हार्ड लगने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको जो है इसको एडजस्ट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और क्लच को बिल्कुल सही जगह पर रखना ज़रूरी है। कहने का मतलब ये है कि ना ही फ्री प्ले ज़्यादा होनी चाहिए ना ही कम होनी चाहिए, अदरवाइज़ कई सारे नुकसान हो सकते हैं। तो ये जानकारी थी दोस्तों ऑल्टो 800 और ऑल्टो K10 के क्लच पैडल की फ्री प्ले के बारे में, पैडल से फ्लोर की दूरी के बारे में, ऑफिशियली जो कंपनी कहती है कितना mm गैप होना चाहिए उसके बारे में। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।